अब चाहे आपका ML का प्रोजेक्ट हो, वेब डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट हो, या किसी भी तरह का हो, डीप लर्निंग का हो या कुछ भी हो, आपको फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपर मस्ट चाहिए ही चाहिए होते हैं। जनरली लोग करते हैं कि सब फ्रेंड्स लोग मिलके टीम बना लेते हैं और उन लोगों का जो एक्सपर्टीज एरिया होता है वो भी सिमिलर सा होता है, तो वो आगे सारी चीज़ नहीं कर पाते हैं। लास्ट में आपको ये बताना होता है, जैसे हमने ऊपर भी डिस्कस किया, कि आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो सॉल्यूशन है, वो बाकी सबसे क्यों अच्छा है। तो एक ऐसा बिल्कुल अच्छी स्किल वाला बंदा चाहिए होगा जो अच्छे से प्रेजेंट कर सके और आपके आइडिया को बिल्कुल अच्छे से सेल कर सके। हाय एवरीवन, माय सेल्फ नमन गुप्ता। इस वीडियो में हम लोग हैकाथॉन के बारे में बात करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम हैकाथॉन होते क्या हैं, हम कैसे पार्ट ले सकते हैं, बेनिफिट्स क्या होते हैं, टीम में मस्ट हैव स्किल्स क्या होनी चाहिए, एंड लास्ट में थोड़ा सा ब्रीफ स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के बारे में भी करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें एंड ऑल्सो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इससे बेनिफिट हो सके। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब कोडिंग निंजास चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि हैकाथॉन होता क्या है। तो गाइज, ये 12 आवर्स, 24 आवर्स या कभी कभी 48 आवर्स का कोडिंग इवेंट होता है, जिसमें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन होती है एंड उस पर हमें एक प्रोडक्ट बनाना होता है। उसमें आपको प्रेजेंट करना होता है कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट से आपको क्या समझ आया एंड उस पर आपने क्या सॉल्यूशन सोचकर प्रोडक्ट बनाया। एज द टर्म हैक सजेस्ट, इसमें एक प्रॉब्लम को हैक करना होता है एंड उसका सॉल्यूशन बनाना होता है। अब हैकाथॉन जो है वो अलग अलग टाइप में कैटेगराइज भी हो सकते हैं, जैसे कि दो तरह के हैकाथॉन इसमें होते हैं कि एक तो जिसमें टीम इंटरेक्शन अलाउड होता है कि आप दूसरी जो वहाँ टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, एंड दूसरे तरह का होता है जिसमें कि इंटरेक्शन अलाउड नहीं होता है। और इसी तरह दो और टाइप्स में डिवाइड होता है, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बेस्ड हैकाथॉन होते हैं और एक थीम बेस्ड हैकाथॉन होते हैं। कुछ हैकाथॉन्स में हमें कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स गिवन होती है एंड हमें उनमें से किसी एक को चूज करके उस पर सॉल्यूशन बनाना होता है। और वहीं कुछ हैकाथॉन में, जैसे कि थीम्ड हैकाथॉन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी ब्लॉकचेन की थीम हो गई, आपको वो गिवन होगी एंड उस थीम से रिलेटेड आपको खुद एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट सोचनी होगी एंड देन उसका सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट करना होगा। तो ये ब्रीफ में था कि हैकाथॉन होते क्या हैं और कितने वैरायटी ऑफ हैकाथॉन्स होते हैं। तो अब बात आती है कि हैकाथॉन हमें मिलते कहाँ पर है। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की बात करूँगा। तो अगर ऑनलाइन की बात करते हैं तो काफ़ी साइट्स होती है, जैसे कि डेयर टू कम्पीट है, टेक गिग है, ये डिफरेंट डिफरेंट साइट्स हैं जो जहाँ पर आपको ऑनलाइन हैकाथॉन मिल जाएंगे। नेक्स्ट आता है ऑफलाइन हैकाथॉन। तो फॉर ऑफलाइन हैकाथॉन, फेसबुक डेवलपर करके एक ग्रुप है जो अलग अलग स्टेट का, सिटीज़ का अलग अलग ग्रुप है, उसमें सभी कॉलेजेस में हो रहे हैकाथॉन कि वो कब हो रहे हैं और उससे रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन दी जाती है। वहाँ पर सारी डिटेल्स होंगी कि किस टाइम हो रहे हैं, कितने दिन चलेगा एंड किस तरह से पार्टिसिपेट आप लोग कर सकते हैं और किस टाइप की टीम्स होनी चाहिए और आपका एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में, आपका जो है कि थीम है या प्रॉब्लम स्टेटमेंट बेस्ड है, जो भी है वो सारी डिटेल्स की बन होती है। एंड हर हैकाथॉन्स के रूल्स भी होते हैं कि इस तरह के टीम मेंबर्स होने चाहिए, इतने नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए और इतने गर्ल कैंडिडेट्स मस्ट हैं। तो ये सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिल जाएगी। तो हैकाथॉन होते कहाँ क्या है और कहाँ से हमें वो मिल सकते हैं, हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बात हमने कर ली। अब एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है टीम का, कि किस टाइप की टीम होनी चाहिए, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो एक चीज़ हमें ये ध्यान रखनी होगी कि सभी सेम स्किल्स के बंदे मिलकर टीम ना बना लें। जनरली लोग करते हैं कि सब फ्रेंड्स लोग मिलकर टीम बना लेते हैं और उन लोगों का जो एक्सपर्टीज एरिया होता है वो भी सिमिलर सा होता है, तो वो आगे सारी चीज़ नहीं कर पाते हैं। तो हमारी जो टीम होनी चाहिए वो ऑलराउंडर टीम होनी चाहिए, जिसमें हर स्किल जो हमें उस पर्टिकुलर हैकाथॉन के सॉल्यूशन के लिए रिक्वायर्ड है, उस स्किल वाले बंदे हमारे पास हों। कुछ मस्ट हैव स्किल्स भी होती है जो कि हर टीम में होनी ही चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ कि क्या थीम है एंड क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। वो होते हैं कि एक तो डोमेन एक्सपर्टीज, कि जिस भी डोमेन में आपको काम करना है उसका एक एक्सपर्ट होना चाहिए, जिसको उस डोमेन के बारे में सब चीज़ पता होनी चाहिए। फिर आते हैं फ्रंट एंड डेवलपर एंड बैक एंड डेवलपर। अब चाहे आपका ML का प्रोजेक्ट हो, वेब डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट हो, या किसी भी तरह का हो, डीप लर्निंग का हो या कुछ भी हो,
आपको फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपर मस्ट चाहिए ही चाहिए होते हैं, बिकॉज आपको वो प्रेजेंट करना होता है एंड डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें। उसके बाद आता है कि एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाला बंदा भी चाहिए होता है, जो पूरी एक टीम लीडर की तरह काम करे एंड आपके हर जो स्टेप्स होते हैं ना उसमें वो बताए कि किस तरह और कैसे करना है। एंड नेक्स्ट आता है कि एक ऐसा बंदा भी होना चाहिए जो अपने आइडिया को सेल कर सके, एक प्रेजेंटेशन वाला, यानी कि बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दे सके। बिकॉज लास्ट में आप लोगों को क्या चाहिए होता है कि जजेस को आपका वो हैकाथॉन पसंद आए, तो पसंद आने के लिए आपको वो प्रेजेंट करना होता है, आपको अपने आइडिया को सेल करना होता है कि हाँ जितने आइडियाज़ अवेलेबल हैं उसमें सबसे बेस्ट आपका है और वो क्यों है। तो कुछ ये मस्ट हैव स्किल्स होती है जो कि होने ही होने चाहिए। और इसके अलावा जो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है या आपका जो थीम है उसके बेसिस पर डिफरेंट डिफरेंट आपको और बंदे चाहिए होते हैं। तो लास्ट में फिर यही कहूँगा कि ये ध्यान रखें कि आपकी टीम ऑलराउंडर हो, सिमिलर स्किल्स वाले बंदे ज़्यादा नहीं। तो अब आते हैं कि हैकाथॉन जीते कैसे। तो हैकाथॉन में जीतने के लिए आपका जो प्रोडक्ट है वो जजेस को पसंद ज़रूर आना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि हैकाथॉन के जब टाइम हमारा चल रहा होता है उसमें बीच बीच में मेंटरिंग सेशंस होते हैं, इवैल्यूएशन सेशंस होते हैं, जिसमें जजेस आपको बताते हैं कि आपका इस प्रोडक्ट में आप ये ऐड कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं एंड इसमें कुछ इस तरह के चेंजेस कर सकते हैं। तो अगर ये सब चीज़ें आप लोग करते रहेंगे टाइम टू टाइम उनके बताने पर, तो वो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होती है कि लास्ट में जजेस को तुम लोगों का प्रोडक्ट पसंद आ जाए, बिकॉज वो सारे चेंजेस और वो सब वही होते हैं जो उन्होंने तुम्हें लोगों को बताए होते हैं। तो इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना होता है। एंड इसके अलावा अगर हम देखें तो वो इस पर भी डिपेंड करता है कि आप लोगों की सेलिंग स्किल्स कितनी अच्छी है। लास्ट में आपको ये बताना होता है, जैसे हमने ऊपर भी डिस्कस किया, कि आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो सॉल्यूशन है वो बाकी सबसे क्यों अच्छा है। तो एक ऐसा बिल्कुल अच्छी स्किल वाला बंदा चाहिए होगा जो अच्छे से प्रेजेंट कर सके और आपके आइडिया को बिल्कुल अच्छे से सेल कर सके। तो जनरली इन दो चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप हैकाथॉन में जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। अब आता है कि हैकाथॉन में पार्ट लेने से क्या बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। सबसे पहले तो कि जनरली हम लोग DSA ही कर रहे होते हैं, प्रोजेक्ट जो है वो काफ़ी कम बनाते हैं अपने कॉलेज टाइम में, और बनाते भी हैं तो उतना अच्छे लेवल का नहीं बनाते। तो आप लोगों को रिज्यूमे के लिए एक प्रोजेक्ट मिल जाता है। सेकेंड इज कि आपको एक टीम एक्सपीरियंस मिल जाता है। जब आप टीम के साथ काम करते हैं और सब अपने अपने डोमेन पर काम कर रहे होते हैं तो टीम वर्क आपका जो है वो, टीम स्किल्स जो है वो इंक्रीज होती है। थर्ड है कि अगर आप जीत जाते हैं तो उसमें आपको प्राइजेस भी मिलते हैं, साथ में आप रिज्यूमे में अचीवमेंट्स के सेक्शन में भी लिख सकते हैं कि इस हैकाथॉन में इतनी टीम्स ने पार्टिसिपेट किया, 400-500 ने, एंड उसमें से हम लोग जीते। फोर्थ इज कि आप लोगों के जो हैकाथॉन में पार्ट लेने से कनेक्शंस बिल्ड होते हैं। टीम में तो होते ही हैं, वो आप जनरली सभी को जानते हैं, बट जो बाकी टीम्स होती हैं उन मेंबर्स से भी कनेक्शन बिल्ड होते हैं, जो आपके मेंटर्स होते हैं उनसे भी बिल्ड होते हैं, एंड आपको बाद में कभी किसी हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। फिफ्थ इज कि आपकी टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल स्किल्स जो है वो इम्प्रूव होती है। टेक्निकल में आप जब कोड कर रहे होते हैं, सब चीज़ कर रहे होते हैं, अपना प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, तो इम्प्रूवमेंट आती ही है। इसके अलावा नॉन टेक्निकल स्किल्स भी, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स है, इन पर भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है, बिकॉज इन सभी की हैकाथॉन में रिक्वायरमेंट होती है। तो ओवरऑल लास्ट में मैं यही कहूँगा कि हैकाथॉन का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होता है एंड कॉलेज टाइम में जितना हो सके उतना इसमें आप लोगों को पार्ट लेना चाहिए। तो अब हैकाथॉन से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हम लोग कवर कर चुके हैं। अब वीडियो एंड करने से पहले मैं ब्रीफ में SIH जो है हमारा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन उसके बारे में बताना चाहूँगा। तो SIH जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज हर ईयर करवाती है। इसमें जितने भी NGO होते हैं, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज जो होती हैं, वो जो प्रॉब्लम फेस कर रही होती है उनको एज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट डालती है। एंड वो जो यंग इंजीनियर्स होते हैं, कॉलेज वाले, हम लोग जैसे हो गए, आप लोग हो गए, तो उन सब से वो कहती है कि आप इन पर एक पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम्स चूज़ करें और उन पर सॉल्यूशन लाकर हमें दें। इसका प्रोसीजर कुछ इस तरह का होता है। सबसे पहले जो कॉलेज हैं, जो रजिस्टर्ड कॉलेज हैं, उसमें इंटरनल हैकाथॉन होते हैं। सपोज़ में आपके कॉलेज से 30 हो रहे हैं या 40 टीम्स हो रही हैं, तो उसमें से 5+2 टीम सेलेक्ट होती है। 5 तो फाइनल होती है एंड 2 जो होती है वो वेट लिस्टेड होती है। जब वहाँ पर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद जो आपकी टीम लीडर्स हैं उनका SIH के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होता है। फिर उस पोर्टल पर आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो होती है, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पर 4-5 स्लाइड की PPT बनाते हैं, जिसमें आप क्या सॉल्यूशन प्रपोज कर रहे हैं एंड ये सब चीज़ें आप मेंशन करते हैं।
उसके बाद जब आप सबमिट कर देते हैं तो कुछ टाइम बाद जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपने सबमिट किया है उस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर उसे चेक करता है एंड वो फाइनलाइज करता है रिजल्ट को कि आप सिलेक्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। एंड अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद एक ऑन साइट हैकाथॉन होता है 48 आवर्स का, जो उस ऑर्गेनाइजेशन में जाके या जो भी एक डिजाइंड एरिया होता है वहां पर जाकर होता है। एंड उसके बाद आपको वो 48 आवर्स में कम्पीट करना होता है जितनी भी सेलेक्टेड टीम्स होती है। तो कुछ इस टाइप का प्रोसेस होता है। अब इसमें एक जो रूल है उसमें ये भी है कि जो टीम है उसमें एक गर्ल कैंडिडेट होना मस्ट है, आप तभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब इसके भी जो बेनिफिट्स हैं, जो ऊपर सारे बेनिफिट्स डिस्कस किए थे वो तो है ही, उसके अलावा इसका प्राइस जो है वो भी काफ़ी अच्छा है, 1 लाख रुपीज़ का है। एंड अदर देन दिस, अगर आपके रिज्यूमे में ये लिखा होता है कि आप SIH में आपका जो है प्राइस जीते हैं और ये सब है, तो वो रिज्यूमे पे काफ़ी ज़्यादा वेट डालता है कि हाँ वो काफ़ी अच्छा लगता है रिज्यूमे पे लिखा हुआ। तो ये था ब्रीफ में SIH के बारे में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, पर एंड करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि जनरली जितने भी हमें टेक्निकल स्किल्स चाहिए होती है, चाहे वो DSA हो या मशीन लर्निंग हो या वेब डेवलपमेंट हो या ऐप डेवलपमेंट हो, सभी के लिए कोडिंग निंजास पर काफ़ी अच्छा डिज़ाइन और स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्स अवेलेबल है। आप लोग ज़रूर उसका डेमो ट्राई कीजिए एंड पसंद आए तो उसको बाय भी ज़रूर कीजिए एंड पूरा कोर्स पढ़िए। उसमें आपको 1:1 डाउट सपोर्ट भी मिलता है। उसके अलावा अगर आप लोग को इंटरव्यू प्रिपरेशन करनी है और आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो कोडिंग निंजास का एक प्लेटफॉर्म है कोड स्टूडियो, वहाँ पर आप अपने इंटरव्यूज़ के लिए काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैंने खुद ने यूज़ करके देखा है, वो प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। हैकाथॉन के बारे में अगर कुछ भी मैंने मिस किया हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपने किसी में पार्ट लिया हो तो वो भी ज़रूर बताएं। इससे क्या होगा, जो और लोग होंगे उन्हें पता चलेगा कि हाँ ये हैकाथॉन होते हैं। आप डिटेल में बताइए कि कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिंक्स वगैरह कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें, वो बाकी लोगों को काफ़ी बेनिफिट करेगी। उसके अलावा ये वीडियो आपको कैसी लगी उसके रिव्यूज़ भी ज़रूर इसमें मेंशन करें कमेंट सेक्शन में। एंड इस टाइप की अगर और भी वीडियोस चाहिए हो तो उनके टॉपिक्स भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। तो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड स्टे ट्यून्ड टू कोडिंग निंजास चैनल। थैंक यू।